हेलो बर्ड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 10:30 बजे हुए हैं और बस मैं अभी जस्ट झाड़ू पोछा करके और नहाई हूँ। नहाने के बाद बस अभी चाय पी हूँ। चाय पीने के बाद जस्ट आज मुझे कुछ अलग खाना बनाना है, क्योंकि आज हमारे यहाँ परिवार में जो है कोई ख़त्म हो गया था, तो आज शुद्ध है। तो बस उसी के लिए मुझे आज जो है चने की दाल और चावल, खीर और बड़ा बनाना है। तो बस जस्ट मैंने सोचा चलिए आज मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद फिर मैं बस किचन में जुड़ जाती हूँ। तो बस अभी मैं किचन में आ गई हूँ। तो ये अभी हमने चाय बनाया है, बस चाय मैं जस्ट पी हूँ और उसी के लिए मैं बस तैयारी कर रही हूँ दाल छौंकने के लिए, चने की दाल को। तो मैं प्याज काटी हूँ, ये देखिए टमाटर है, ये लहसुन अदरक, और इसको मैं जो है कूट करके रख लूँगी। और हाँ, आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कल किसी शादी में गए थे और काफ़ी देर रात आए, और घर में बताया भी नहीं कि मैं इतनी समय में आ जाऊँगा। तो मैं रात भर जागती रही, 3 साढ़े 3 बजे जा करके फिर हम लोग सोए हैं। तो आज नींद भी पूरी नहीं हुई और सर भी दर्द कर रहा है। तो और गाइड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। क्या किया जाए, हम औरतों की तबीयत ठीक हो चाहे ना ठीक हो, फिर भी घर का काम करना पड़ता है। कोई थोड़ी नहीं ये समझता है कि हाँ चलिए तबीयत नहीं ठीक है तो रेस्ट ले ले, करना तो है ही है, चाहे दवा खा के करे चाहे जैसे भी करे। तो बस मैं, और धूप आज बहुत अच्छी निकली हुई है, धूप में जाने का भी मन है लेकिन क्या करें, बस अभी खाना बनाना है। तो अभी बस इसी को मैं अदरक और लहसुन का भी ये पेस्ट बनाऊंगी, क्योंकि चने की दाल में मुझे मतलब इसको छौंकना है मुझे। तो इसको मैं कूट लूंगी। आप लोग कैसे हैं बताइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग्स कैसा लग रहा है? देखिए मुझे कुछ आता नहीं है ज़्यादा, मैंने सोचा चलिए मैं भी अपना ब्लॉग बनाती हूँ। तो बस क्योंकि मैं लोगों के ब्लॉग बहुत देखा करती थी तो मुझे भी शौक था कि चलिए मैं बनाती हूँ। और मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, मैं एक सिंपल तरीके से ही अपना ब्लॉग बनाती हूँ। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगी, कोशिश करूंगी। और जब नींद नहीं पड़ती है तो सुबह अजीब सा सर रहता है, तबीयत ठीक नहीं लगती है। तो मेरा तो कुछ करने का मन नहीं था लेकिन अब क्या किया जाए, करना तो वही है। हस्बैंड लोग को क्या है, तबीयत ठीक हो चाहे ना हो, चलिए क्या करना है, अपना तो आएंगे सो जाएंगे लेकिन दूसरे दिन तो हम लोगों को काम करना ही है। सोच लें कि थोड़ा सा आराम कर लें तो आराम नहीं कर सकते। चने की दाल भी छौंकूंगी, ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना लूंगी और प्याज काट लूंगी और टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े करके रख लूंगी। और फिर मैंने अभी चने की दाल को नमक और हल्दी लगा के पका लिया है, बस उसको मुझे छौंकना बाकी है। और अभी छोटा बेटा दूध लेने गया है, खीर भी बनती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे जो ससुर जी हैं उनके बड़े भाई हैं, उनकी डेथ हो गई है, काफ़ी दिन से बीमार चल रहे थे तो वो ख़त्म हो गए हैं। तो बस आज उनका शुद्ध है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इसे मिक्सर में क्यों नहीं पीस रही हूँ, तो मैं मिक्सर में नहीं पीसती हूँ क्योंकि बहुत ही बारीक हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको
ऐसे ही इसको पूछ लेती हूँ। और ये कुटना देखिए कोई मैंने खरीदा नहीं है, इसको हमें क्या बताऊँ आप लोगों से, मेरे पापा ने मुझे बना करके दिया है। तो बस मैं कोई भी चीज़ अगर इसमें कोई कुर्ती पीसती हूँ तो मैं इसी में करती हूँ। तो चलिए चलते हैं, चना की दाल बनाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि मैं कैसे बनाऊंगी। चलिए अभी आपको जस्ट बनाऊंगी।